नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। महिला संघ द्वारा आज महिलाओं को सम्मान दिया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। तमाम बड़े नेता वहां महिलाओं की, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और महापौर भी मौजूद थी। तमाम महिलाओं को सम्मानित दिया गया। कई ऐसे ज़िले से महिलाएं पहुंची थी जो कोरोना काल में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली गई थी, उन्हें सम्मानित किया गया। और वहाँ पर कुछ बच्चियों ने भी अपना डांस परफॉर्मेंस दिया, जिसे उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने सम्मानित किया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, उन्हें शॉल भेंट करके उन्हें जो मोमेंटो है उन्हें गिफ्ट किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से दीप ज्वलन करके उप मुख्यमंत्री ने महिला संघ का उद्घाटन किया। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से सम्मानित किया जा रहा है। मैम, आप आज महिला शक्तिकरण की बात कर रही हैं, लगातार जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार आए दिन होते हैं, उसको लेकर आप क्या करती हैं, जागरूक करती हैं लोगों को? और ये जो कार्यक्रम है कितने सालों से हो रहा है इस तरह के कार्यक्रम? ये कार्यक्रम हम लोग 3 सालों से कर रहे हैं और महिलाओं को जागरूक करना। हम लोग हर स्लम में जाते हैं और महिलाओं के जो घरेलू जो झगड़े होते हैं उसे हम लोग खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को समझाकर जागरूक कर हम लोग सॉल्व करते हैं, और उसके बाद भी नहीं हुआ तो हम उन्हें महिला आयोग अध्यक्ष के पास हम लोग उन्हें वहाँ भेजते हैं। आज आप लोगों ने क्या किया है? आज हम लोग नारी शक्ति सम्मान का आयोजन किए हैं, जिसमें हम उन महिलाओं को अवार्ड दे रहे हैं जो हमारी टीम में अच्छा काम कर चुकी हैं। कोरोना काल था और कोरोना काल में आपने क्या क्या किया है लोगों के बीच? कोरोना काल में हम लोगों ने सारे स्लम में अपने स्लम में जाकर ये मास्क सैनिटाइजर वितरित करना, लोगों को जागरूक करना, मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइजर करना है, ये सब समझाना। फिर जिन्हें खाने वगैरह का भी दिक्कत था उन लोगों को, बच्चों को खाना देना, सारे काम हम लोग करे किए हैं।